why God doesn't go with us when we are faced with battles. जब हम संघर्षों का सामना करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ आगे क्यों नहीं जाता? Numbers 14:22 talks about what God says. गिनती 14:22 इसके बारे में बताता है कि प्रभु क्या कहते हैं. Not one of those who saw my glory and the signs I performed in Egypt and in the wilderness who disobeyed me and tested me 10 times will enter into the promised land. उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिश्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए वे उस देश को देखने न पाएंगे. My friend, मेरे मित्रों, the Lord hates disobedience and testing God. परमेश्वर जो है अनाज्ञाकारिता और परमेश्वर को परखने से प्रसन्न नहीं होता. He rejects us and humbles us. वो हमें तिरस्कृत कर देता है और हमें दीन कर देता है. He makes us to become nothing. वो ऐसा करता है कि हम कुछ भी नहीं रह जाते. But still he doesn't forsake us. लेकिन तो भी वो हमें भुलाता नहीं है. When we come to that nothing situation, we cry out to God and we repent and turn to God and begin to live righteously. जब हम उस शून्य की अवस्था में पहुंचते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, पश्चाताप के साथ उसकी ओर फिरते हैं और धार्मिकता के साथ जीवन जीते हैं. And then the glory of the Lord lifts us up again. तब परमेश्वर की महिमा हमें फिर से एक बार ऊपर उठाती है. And then makes us enter into his promises, his blessings. तब उसकी प्रतिज्ञाओं और उसकी आशीषों में वो हमें प्रवेश कराती है. Let us humble ourselves before God and repent and return to God. आइए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन बनाएं. हम अपने आप में पश्चाताप करके वापस परमेश्वर की ओर फिर जाएं.